तो इतना इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग आप लोगों को करना है तो वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा ओरिजिनल फोटो, और ओरिजिनल फोटो को अभी हम स्नैपचैट पे शेयर करेंगे। तो चलिए शेयर बटन पे क्लिक करके फोटो को स्नैपचैट पे शेयर कर लेते हैं। तो जब स्नैपचैट पे फोटो चला जाए उसके बाद आप लोगों को टूल्स पे जाना है, एंड टूल्स पे जाने के बाद टोन इमेज पे जाके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा, सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज, एम्बिएंस को थोड़ा, हाइलाइट को थोड़ा, शैडो को थोड़ा, ब्राइटनेस को थोड़ा। उसके बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में जो है एडिट स्किप पे क्लिक करके व्यू एडिट पे जाना है, एंड व्यू एडिट पे जाने के बाद टोन इमेज पे क्लिक करके ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, एंड ड्रॉ पे क्लिक करके फोटो को जूम करके अपने हिसाब से रख के फेस के ऊपर से इसको वाइट कर लीजिए। तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक करना है, एंड राइट पे क्लिक करके आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके जो नीचे की तरह विग्नेट है, विग्नेट पे क्लिक करें, 12 नंबर का चूज करके इसका सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज, स्टाइल स्ट्रिंग को 0, विग्नेट को 0। फिर राइट पे क्लिक, एडिट स्केप पे क्लिक करके व्यू एडिट, व्यू एडिट पे जाने के बाद विग्नेट पे क्लिक करके इधर ड्रॉ पे क्लिक करना है, इधर इन्वर्ट करके फेस के ऊपर से रिमूव करना है। तो चलिए फटाफट कर लेता हूँ। तो ये और जाने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करके फिर से बैग आ जाना है, और उसके बाद फिर से टूल्स पे क्लिक करके ऊपर में जो है क्रैप्स, क्रैप्स पे क्लिक करके अपने चैनल पे क्लिक करिए। उसके बाद रेड को नीचे की तरफ ले आइए, और फिर से चैनल पे क्लिक करके ब्लू को चूज करके नीचे की तरफ ले आइए। तो देखिए ग्रीन हो चुका है। उसके बाद राइट पे क्लिक करके ऊपर में जो है एडिट स्किप पे क्लिक करके इधर व्यू एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रैप ड्रॉ इधर से इनपुट कर लेना है, और फिर उसके ऊपर से रिमूव कर लेना है मेरी तरह। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो फ्रेंड से हो जाने के बाद फिर से आप लोगों को राइट पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करने के बाद जिधर से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से आप लोगों को टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके डबल स्पेस पे क्लिक, उसके बाद ऐड फोटो। तो जो मैं फोटो यूज कर रहा हूँ वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इधर से इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को बीच में क्लिक करके इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये हो गया है तैयार। तो राइट क्लिक करके फोटो को कर लीजिए सेव।